नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सेवैया उपमा, जिसके लिए हमें चाहिए सेवैया, तेल, बारीक कटे हुए प्याज, सिके हुए मूंगफली के दाने, राई और जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, शक्कर, नींबू का रस, कड़ी पत्ते और हरा धनिया। तो आइए शुरू करते हैं हम सेवैया उपमा बनाना। सबसे पहले हम सेवैया को रोस्ट करेंगे। हमने पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। हमने 2 चम्मच तेल लिया है। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सेवैया। हमें इसे हल्की ब्राउन होने तक भूनना है। सेवैया हल्की ब्राउन होने लगी है। हम गैस बंद कर देते हैं। इसे साइड में रख देते हैं। हम एक और पैन लेकर इसमें सेवैया का तड़का लगाएंगे। गैस ऑन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल। हमने 3 चम्मच तेल लिया है। हम तेल चेक कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे राई और जीरा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। करी पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्याज को हल्के ब्राउन होने देते हैं। प्याज हल्के ब्राउन होने लगे हैं। हम इसमें डालेंगे सिकी हुई मूंगफली के दाने। अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई सेवैया। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, शक्कर, नींबू का रस। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी।
हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई होने तक पकाएंगे। हम इसे ढक देते हैं। हम उपमा चेक कर लेते हैं। हमारा उपमा कंप्लीट हो चुका है। हम गैस बंद कर देते हैं। इसमें हरा धनिया डालकर मिक्स कर देते हैं। हमारा सेवैया का उपमा सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा सेवैया उपमा तैयार हो चुका है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।